पूरी व्यवस्था हमारे प्रशासन पर निर्भर करता है। जो हम कहते हैं, अभी भी फिर कह रहे हैं कि हम कहते हैं ना, कहीं भी मान लीजिए डिबेट हो रहा है, एक केस हो गई, डिबेट हो रही है, तो हम बैठते तो एक बच्ची के साथ रेप हुआ है उस पे हैं, लेकिन हम उस मुद्दे को भटका के ले जाते हैं कि आपके सरकार में हुआ, उनके सरकार में हुआ, शिक्षा होनी चाहिए, माँ बाप का जिम्मेवारी होना चाहिए। अरे ये तो वर्तमान में गया, जो चीज़ के लिए आप बैठे हैं उस पे बात करिए, लेकिन इस पे बात ही नहीं होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले सोच हमारे जो बदलने की ज़रूरत है, जो हमारे नेता हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके हैं, सोच बदलने की, जो व्यवस्था में लोग बैठे हैं उनकी। आप तो कह रही हैं कि समाज बदलने की ज़रूरत नहीं है, सोच बदलने की ज़रूरत है। फिल्म इंडस्ट्री जिसको माना जाता है कि काफ़ी कुछ वहाँ पर सब कुछ खुला माहौल होता है, लोग खुले तरीके से अपनी बातें रखते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब मामला सामने आ रहा है, कई सारी अभिनेत्रियाँ सामने आ रही हैं और कह रही हैं कि उनके साथ भी छेड़छाड़ हुई, और जो सीनियर अभिनेता है नाना पाटेकर जैसे लोगों का नाम भी सामने आ रहा है, तो क्या कहेंगे इस तरह की घटनाएँ अब सामने आ रही हैं? तो देखिए, वहाँ पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आ रही है बातें सामने तो जाहिर सी बात है कि हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है? तो अब ये है कि नहीं, महिलाओं सक्षम होने लगी, चाहे महिलाएं इस चीज़ को समझने लगी। पहले था कि कोई केस हो रहा है तो घर में शर्म से, समाज के डर से कुछ नहीं बोलता था आदमी, लेकिन मेरे को तो यही लगता है कि अब महिलाओं के दिमाग में ये है, वो अपने आप को उस चीज़ से समझने लगी हैं कि नहीं, ये जो चीज़ हमारे साथ हो रही है गलत हो रही है, हमें इसके साथ विरोध करना चाहिए। तो हमें तो लगता है कि इस चीज़ से अछूता ना हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ना हमारा स्कूल है, ना हमारा घर है, ना हमारा समाज है। सोच ये होनी चाहिए कि हम मुजरिमों को मुजरिम माने, और जो बच्चियां हैं जिसके साथ गलत हुआ है उसको हम सपोर्ट करें, लेकिन भरसक पुलिस से लेकर हमारी सरकार व्यवस्था तक यही कोशिश रहती है कि ये किसी तरह ये केस ख़त्म हो जाए, वो लड़के को ही वो बचाने में लग जाते हैं, विक्टिम तरफ कोई नहीं।